ओके सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ान। यू आर वॉचिंग क्रिप्टोनियन अकेडमी पाकिस्तान। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको कार्डानो के बारे में बताने वाला हूँ कि कार्डानो का जो नया इवेंट आने वाला है उसके लिए मैं इतना बुलिश क्यों हूँ, और कार्डानो के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, और कार्डानो की प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ दिखाऊंगा, और आई होप ये वीडियो देखने के बाद अपने पोर्टफोलियो में 40% कार्डानो ऐड कर लोगे। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर सो इम्पोर्टेंट, तो एक आर्टिकल है यहाँ पे, तो मैं आपको आपको बता देता हूँ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब डीफाई जो एप्लीकेशन हैं वो बनने लगेंगी। मतलब जैसे बैंक्स का कुछ काम, एग्जाम्पल ऑफरिंग लोन्स दैट डोंट रिक्वायर्ड अ मिडल मैन, मतलब किसी मिडल मैन की नीड नहीं होगी, इनका खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी होगा। जिस तरह जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है उसका है पैनकेक स्वाप, एथेरियम का जो है यूनिसॉप, इस तरह इनका भी खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी होगा। इस तरह इनकी जो ब्लॉकचेन पे बनेगा ऐसा ऐसा करके। इसके अलावा एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं वो भी बनेंगे। एनएफटी की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा। मतलब एक तरीके से जो क्रिप्टो करेंसीज का जो फ्यूचर है वो एनएफटीज ही हैं, और इथेरियम के ऊपर जब से एनएफटीज, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए थे उसके ऊपर डीफाई एनएफटीज और दूसरी चीज़ें मतलब ब्लॉकचेन पे जैसे इसका अच्छा यूज़ होने लग गया, इथेरियम को आपने देखा प्राइस मतलब आज से एक साल पहले जो थी वो $300 $250 इतनी हुआ करती थी, और आज इथेरियम की प्राइस आप देख सकते हैं, मतलब आज से 2 साल पहले इथेरियम की प्राइस उससे भी कम हुआ करती थी, $25 $18 इसके करीब होती थी, लेकिन आज इथेरियम की प्राइस है $4,000 तक जो है उसको क्रॉस करके, उसको मतलब ऑल टाइम हाई बना के नीचे आ रहे हैं। मतलब अभी 3,300 इस वक्त ट्रेड हो रहा है इथेरियम। तो आडा के अभी तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। अगर मैं आपको एक चीज़ देखूँ आडा की, तो मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, बिल्कुल इसी में ज़रा टाइम हटाऊँ, मैंने ज़रा एक फ़ाइल बनाई हुई है यहाँ पे, ये देखें, यह है आडा का ट्रेड वॉल्यूम, मतलब आडा की मतलब डेली ट्रांजेक्शन जो आडा की ऊपर की जाती हैं, डेली डेली की ट्रांजेक्शन, ये देखें इसका चार्ट। मतलब इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से हमने देखा प्राइस में अच्छा खासा बूम भी आ रहा है, ऐसा ऐसा ये बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डेली 1000 सेप्टेम्बर में टू जुलाई 11, 2021, सिर्फ 1000 मतलब हज़ारों की तादाद में कार्डानो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो ये 2017 से लेके 2021 तक। लेकिन वही चीज़ अगर हम इथेरियम की देखें मतलब हज़ारों में, लेकिन अगर हम इथेरियम का देखते हैं, यहाँ पे नहीं है इथेरियम का, मैं आपको ज़रा क्रोम पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड, इथेरियम वॉल्यूम ट्रांजेक्शन वॉल्यूम चार्ट, ट्रांजेक्शन फी नहीं, वॉल्यूम चार्ट, सही है। जब आप ये सर्च करते हैं, तो अभी मैंने आपको एडा का दिखाया था, तो यहाँ पे मैं आपको इमेजेस में दिखा देता हूँ जो लेटेस्ट इमेज अपडेट हुई है। तो यहाँ पे आप इथेरियम का देखें, इथेरियम का यहाँ पे मतलब इथेरियम के जो ट्रांजेक्शन है वो पहले कितनी कम हुआ करती थी। अगर आप आज से 2018 2017 में जाएं, तो जैसे जैसे इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया इसके बाद सब देखें इसके अंदर कितना अच्छा बूम आया, और आज डेली में मिलियंस की तादाद में इसके ऊपर ट्रांजेक्शन होती हैं। तो आडा के ऊपर ट्रांजेक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि आडा का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जैसे ही आडा का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो आडा की प्राइस में एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा। वो क्यों, क्योंकि आडा की जो फीस है वो इथेरियम से बहुत ज़्यादा कम है, और आडा का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आडा आपने देखा होगा, अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाके देखें तो आडा की जो रैंकिंग है वो 3rd नंबर पर आती है। और इसके अलावा जब इस पर ये चीज़ इसकी ब्लॉकचेन का ये इस्तेमाल होने लगेगा, तो आप ब्लॉकचेन का यूज़ खुद देखते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे आडा की जो बुलिश लगती है, वो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ आडा की, तो मैंने सर एक फोल्डर बनाया पूरा आडा की चीज़ों का मतलब वॉल्यूम का, ये है आडा की डिमांड वॉल्यूम, सही है। आडा का मतलब कितनी डिमांड थी 2000, ये देखें, ये मैं का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये मैं का है, मतलब मैं में आडा की जो डिमांड थी वो इतनी थी। तो आडा की आपने मैं में प्राइस देखी थी जो कि 2.45 थी, लेकिन अभी भी डिमांड जो है वो इससे कम है, मतलब जो पहले डिमांड थी उससे डिमांड अब कम है, लेकिन जो आडा की जो प्राइस है वो ज़्यादा है, मतलब 2.97 $95 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है आडा, और उस वक्त 2.45 था। मतलब जब डिमांड बढ़ेगी वापस लोगों तक आएगी, टॉप 3 क्रिप्टो करेंसीज में आएगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा, तो उसकी डिमांड मजीद बढ़ेगी, तो इसकी प्राइस में आप समझ रहे हैं कितना अच्छा खासा बूम आ सकता है, मतलब $6 या $5 तक तो ईजिली यहाँ पे ये जा सकता है। और इसके अलावा ये जो चीज़ दिखाई मैंने आपको ये वाली, ये इससे कंपेयर करते हैं इस चीज़ को, उस वक्त ये प्राइस यहाँ पे थी, जब देखें प्राइस उस वक्त थी यहाँ पे, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, मैं प्राइस थी यहाँ पे, सही है, जब डिमांड थी यहाँ पे, लेकिन अभी जो प्राइस है वो इससे ज़्यादा ऊपर आ चुकी है यहाँ पे देखें, और डिमांड अभी भी कम है। तो जब डिमांड और ज़्यादा इसकी बढ़ने लगेगी, इसकी पीक मतलब इन्वेस्टर्स इसकी तरफ और आएंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कार्डानो कहाँ तक जा सकता है। और कार्डानो जो है एक तरीके से इथेरियम किलर भी है, और एक तरीके से समझ लो विटालिक बुटरेन किलर भी है,
जो कि चार्ल्स होस्किन सर है, वो पहले भी इथेरियम के को फाउंडर भी रह चुके हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है इन चीज़ों में। और एक आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, मतलब ये नहीं चाहेंगे कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो इथेरियम से पीछे रह जाए, क्योंकि उन्होंने इथेरियम को छोड़ दिया था, तो ये आर्डा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे और आर्डा को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे। इसके अलावा इनके डेली वॉलेट्स भी आ रहे हैं, इनकी डेली अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है, उनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको आर्डा पे अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हो $3 अगर आपको अभी भी मिल रहा है तो ये सस्ता है। कम से कम कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढें बाय करने की, 2.70 या 2.40 जो मैंने अपने ग्रुप में दिए हैं, जो कि मेरा पेड ग्रुप है, वहाँ पर मैंने सिग्नल्स देता हूँ। तो उन हिस्सों में आर्डा को बाय करने की कोशिश करें। जब आप आर्डा को बाय कर लें तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जैसे 1 साल के लिए छोड़ दें, 1 साल बाद आपका यही पैसा, जिस तरह आपको इथेरियम में बूम मिला था आपको इसमें बूम मिलेगा। और ये बिल्कुल अर्निंग ऐसे है इसकी एडीए की, तो एडीए को अपने पास ज़रूर रखो पोर्टफोलियो में। कम से कम भी अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपनी 50% इन्वेस्टमेंट जो है आर्डा में करो, बाकी आप 50% दूसरे कॉइन्स में चाहो तो कर सकते हो। और अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग में तो आराम आराम से बढ़ रहा है, लेकिन आप चाहो तो इसको अपनी एक हिस्सा, मतलब 20% हिस्सा आप एडीए को, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि एडीए जो है वो हुकुम का इक्का हो सकता है इन फ्यूचर, और वो सबको घुमा देगा। तो एडीए के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, यही वजह, और मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ, कोई नया इन्वेस्टर आता है, नया बिगनर आता है, मैं उसको ये कहता हूँ, अगर तुम सीखते नहीं हो, तुम्हें नहीं आते टेक्निकल एनालिसिस, डे ट्रेडिंग में तुम स्ट्रांग नहीं हो, तो तुम एडीए बाय करके रख दो 3-4 महीने के लिए, तुम्हें अच्छा प्रॉफिट देगा, और जब तक तुम सीख जाओगे तो तुम्हें इसी प्रॉफिट से अपनी डे ट्रेडिंग करोगे। तो इसलिए मैं सबको एडीए बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। और इसकी ब्लॉकचेन आ जाएगी बहुत जल्द, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इसकी ब्लॉकचेन पे काफ़ी अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, ट्रांजेक्शन फीस इनकी बहुत ज़्यादा कम है, डीफाई बनेगी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए आ रहे हैं, गेमिंग इकोनॉमी, मतलब आप गेम्स में जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फॉर्टनाइट के अंदर अगर आप बात करें स्किन्स की, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। और आप मतलब स्किन्स जो है वो कार्डानो करेंसी के जरिए, एडीए के जरिए भी बाय कर सकते हो। कार्डानो तो इसकी वो है जिसने इसको बनाया एडीए को, तो एडीए कार्डानो स्टॉक है, एडीए क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर का टोकन है, तो आप एडीए बाय कर सकते हो। एडीए के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ऑल्ट कॉइन अगर आप देख रहे हो, किंग ऑल्ट कॉइन, तो वो है एडीए। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि मैं एडीए के बारे में इतना क्यों ज़्यादा बुलिश हूँ, एडीए कहाँ तक जा सकता है इन फ्यूचर। सो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हमारा पेड ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, वहाँ पर हम डेली क्लासेस देते हैं जूम के ऊपर, और डेली सिग्नल्स भी दे जाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। सो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।